मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी, आई होप क्या सब अच्छे होंगे। और अब भी धो रही है सुबह सुबह मुंह, और सुबह के भी बज रहा है 10, और अब भी सो के उठी है क्योंकि इसका थोड़ा तबीयत खराब था इसीलिए सोई हुई थी। मुँह देखो से लग रहा है सूत के उठ लिया ना, लगता है कि सूत के उठ लिया, अच्छा से लग रहा है मुँह देख के कि सो के उठी है। और खाना उना पूरा बन गया, हम खाना खा लिए है, ये खाना नहीं खाई है, अभी सो के उठी है, मुँह धो रही है, उसके बाद खाना खाइए। इधर से ही मुँह धोने के बाद लग गई है खाना खाने में, और खाना में बना है कढ़ी और चावल, और हम इधर बना रहे हैं चाय। आ इधर खा पी के आ गए हैं बाहर, आकर मुँह बोल रही है हमारे मुँह कुत्ता नाहित भेल है, कन में से कुत्ता नाहित भेल, अपने आप के बोलती है कि कुत्ता नाहित मुँह भेल है। आ इधर बरहम्बा का फिर से कटाई चल रहा है, और काटते काटते टेंगारी ढीला हो गया तो उधर टेंगारी को कसा जा रहा है। और 4-5 दिन पहले कटाई चल रहा था लेकिन बारिश आ गया था तो छोड़ के चले गए थे। अभी बोली कि खेत में जाने के लिए तो उ गई है अभी चाय लाने, इलाकी ताला भी बंद है, कोई नहीं गया है आज खेत में, इसलिए बंद है, न तो कभी कभी बंद रहता है कभी कभी खुला रहता है। आजकल ज़्यादा ही बारिश हो रहा है इसलिए खुलता ही नहीं है। इन्ने के पूरा जंगल साफ हो गया है ना, तो जंगल इतना भरल था ना, डर लगता था यहाँ जाने में। साफ हो गया? खाली रास्ता पर के साफ नहीं हुआ है ना, तो इस साइड के दोनों साइड साफ हो गया है। ये खोलेंगे हम धराम से गिर जाएंगे। ताला खोल के चाबी यहाँ रख दिए हैं, तालो रख दिए हैं, तालो रख दिए हैं, चलेंगे तो मार देंगे फिर। कितना ज़्यादा हरियर लग रहा है देखने में, वाह। मैंने आज हम कई दिन से खेत में आए हैं, 3-4 दिन से इधर गिर गिट सांप उफ है कि खेत समय पानियों लग गल है, लगता है दहाड़े आ जाएगा, वैसन पानी लग गल है इसे। और रोड के ऊपर तो लगता है नदी है, इतना बड़का, इतना ज्यादा पानी लग गल है इसे। कल खिड़की में देखे थे ना, बहुत ज्यादा पानी लग रहा था देखने में, मम्मी बोले दहर आ गए उधर। आईमे के भिंडी बारिश हुआ से एकदम बड़का बड़का हो गया, लेकिन भिंडी अभी तक फरा नहीं है, अभी तो फरबो नहीं करेगा, 10-15 दिन बाद फरेगा। अब पता चलेगा पानी लगा ना तो भिंडी सूख गया। धान से के तो पानी और ज़्यादा फायदा कर रहा है, पानी हुआ है 2 दिन ना, धान से इतना बड़का बड़का हो गया है। इधर पूरे में पानी ये लग गल है, बाप रे। रास्ता पर बांस रख ले है, पर मैं छोड़ गिर गया बांस, बाप रे, बांस गिर गया, बांधल था छड़ में गिर ही गया, इतना ज्यादा हवा बारिश आया था ना उस दिन, इसीलिए। अभी देख लिए तार के फल गिरे तो बोलती है कि चल लेके आते हैं पीने के लिए बनाएंगे, उसमें से रस निकलता है ना, तो सब पीता था पेड़ के, लेकिन अच्छा नहीं लगता है पीने में, रस टाइप के निकलता है, आम रस जैसा। इसी वाला तार में से नीचे गिर रहा है, नीचे तो पटरा पड़ल है इतना ज्यादा गिर के। अभी तक इधर धान रोपा ही रहा है, 70-70 रोपायल है। ये खेत तो पूरा खाली है, खाली गोवा गिरल है, लगता है तंबाकू रोपाएगा, फल बहुत ज़्यादा ही गिरल है। ये बोले ले जाएंगे, इतना कादों में गिरल है, यही फल लेके जाएगी, लेके जाएगी। अब अभी गिरा देख जमीन में कैसे धस गया पूरा, अभी गिरा है से वाला यहाँ पर। हम लोग के यहाँ इसको पूछता भी नहीं है, और बाहर में ये बोलते हैं कि देखते हैं कि सब मार के ले रहता है खाने के लिए, बिकता है। हम लोग के यहाँ तो कोई नहीं पूछता है, हम लोग को ना अच्छा लगता है, तारी जैसा लगता है, तारी पी है कि तो फिर पता कैसे, सब बोल रहा है, सब बोलता है कि तारी जैसा लगता है, लेकिन हम नहीं खाए, ये खाई है लेकिन हम नहीं खाए, ये वाला खाई है, हमको भी लगता है कि एक बार खाए है। हाँ ये सूख जाता है इनमें से निकलता है, वो तो अच्छा लगता है। हाँ वो तो अच्छा लगता है, अंकुरा जिसको अंकुरा बोला जाता है, जब इसमें का रस सूख जाएगा, इतना बड़का बड़का बीट देता है, उसके बाद उसमें फारने के बाद इतना उज्जर के फल निकलता है, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। नाम है अंकुरा, जिसको अंकुरा बोला जाता है। पहले तो चूता था, सब अपना घरे ले जाता था चुन चुन के, लेकिन अब हिये जलम जाता है, तो हिये से जब जलम जाता है तब घरे लेके जाता है, फाड़ के खाता है। और पटना में ये फल का दाम है 30-40 रुपये एगो फल मिलता है, हमारा सके यहाँ तो कुत्ता सुनता भी नहीं कुत्ता भी नहीं सुनता है, ये बात तो सच्चे बोली है। और जब खेत में आए ही है तो जा रहे आम वाला गाछी में से घूम के आते हैं, कल गए थे हम सुबह में घूम के चले आए थे, शाम में नहीं गए थे, तभी जा रहे हैं घूम के आएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। देख आम के पेड़ जलमल है, देख ले धान में आम के पेड़ जलमल है, तन्नी को लेके जाएगी घर या रोपेगी रोप देंगे फरेगा तो खाएगी। चलो कुत्ता के बुला रही है, गजब कुत्ता है, लेकिन ऐसा कुत्ता हम अभी तक नहीं देखे हैं। इधर ही खेत में बन रहा है घेरा, क्योंकि इसमें कदुआ घेरा खीरा सब रोपाल है, इसीलिए उस पर चढ़ के फरेगा, जैसे हुआ कदुआ चढ़ के फरता है ना, वैसे ही यहाँ सब कुछ चढ़ के फरेगा। अभी तन्नी एगो है तब बन रहा है, और में तो बड़का बड़का हो गया था तब बनना स्टार्ट हुआ था। इधर घेरा घेराने के लिए तार सा रखल है, इधर इतना मोटक्कर घेरा है फरल, कथी कर रही है तू, क्या मोटन पकड़ा है हाथ में, एकदम बज्जर है, एक हाथ से नहीं पकड़ा है, इतना मोटे से।
इसको मिल गया है एगो पेड़ जिसमें ऐसा पत्ता रहता है ऐसा वाला, और इसको ज्वेलरी बनाती है। पहले बनाते थे, अभी भूल गए थे कि कैसे बनता है, फिर एक बार ट्राई किए तो इसको ऐसे घुसा के इसमें इसे छेद कर के फिर घुसा दिया जाता है, इसे बन जाता है। अभी पता है इसको इसे घुसा देंगे तो बन जाएगा अच्छा से। और पता नहीं इसको बना के क्या करते थे, वो भी भुला गए। जा फट गया पत्ता, कोई काम करने जाओ। मतलब बताओ ना कि कथी होता है इसे बनता है। खेत में आने से कोई दिखे ना दिखे मगर तीनों बकरी जरूर दिखता है, एगो बकरी है दूगो उसका बच्चा। सब सो गया, ऐसे पेड़ पर चढ़ रहा है। वाह, सब आम के पेड़ के छील देगा। इसको मिल गया बरहर दूगो, और बरहर बोलते है की बारहो मास गिरेगा, बारह मास फरेगा ना तो गिरेगा कहाँ से। बारह मास मतलब बारहो महीना। अब बकरी खुजली करत करत आम के अथी ऊंचका बनाल है, ऊपर से नीचे गिर गया है। एगो खुजली कर ही पर लग गल है। हमार ये आम के पेड़ के जितना खराब करने वाला है इसी तीनों का हाथ है। इसको लग रहा है कि उधर से बारिश आएगा, ऐसा हमको भी लग रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा दे रहा है। और ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर के खोपरैया है उधार उधार के खाता है। जंगल इसको नहीं मिलता है, घास नहीं खाता है, वही खोपरैया खाता है। खेत से घूमना था, घूम लिए, इतने खेत घूमे पसीना छुड़ाने लगा। इसको बोले कि चलो रोड पर माहे, तो रोड पर माहे नहीं गई है। ये माहे तनका दूर पड़ जाता है, रोड पर माहे तनका लग पड़ता है। ये टेंट के अंदर गिरल है कोबी के बिया, एगो इतना इतना बड़का कोबी के बिया भेले, एगो तनी तनी गो भेल है। चाय नहीं मिल रहा है टेंट में, जो तू ऐसे देख रही है चाय ना बटा रहा है। नहीं, इसको लगता है बोलबम के सेवा हो रहा है कि वहाँ चाय मिलेगा। अब बोलबम के सेवा होता है तो इसी टेंट गिरा के घर के बाहर सब बोलबम जितना जाता है सबको चाय बिस्किट दिया जाता है, क्योंकि बारिश आ जाता है ना सोमवारी के दिन, इसीलिए सब तिरपाल गिराही के पहले से सेफ्टी में रहता है। इस बार भी हुआ था सोमवारी में, हम लोग क्या बोलबम का सेवा हर साल होता है लेकिन हम लोग नहीं जाते, लेकिन रात में होता है, रात में सो जाते, अब कौन उठेगा रात में। इधर फिर से पेड़ कटाई स्टार्ट हो गया है, आड़ी उड़ी पी जाने के बाद इतना देर से कटाई चल रहा था तो आड़ी उड़ी सब भुथार हो गया था। इधर से सारा सिल्ला सा ढोआ ढोआ कर ट्रैक्टर पर रखा गया है, आज अच्छा से खेत खाली हो जाएगा। सुबह से कटाई चल रहा है, अभी 4 बजने वाला है तब खत्म हुआ है कटाई, अभी लदाया भी नहीं है पूरा, तनके अभी आधा से ज़्यादा लदाया है, तनका बचले है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।